खनन पट्टा आवंटन मामले में फंसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी अब जाती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड के राज्यपाल को इस मामले में फैसला सुनाना है, निगाहें राजभवन पर टिकी हैं, तो दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी में हलचल मची हुई है कि क्या फैसला सुनाएंगे राज्यपाल। जोहर जय श्री राम, आखिरकार झारखंड में हो गया काम। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ये ट्वीट 21 अगस्त का है। इसके बाद से ही ये दावे किए जाने लगे थे कि राज्य के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है और अब ऐसा होता भी दिख रहा है। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है और राज्यपाल रमेश बैंस इस पर कभी भी फैसला सुना सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता को रद्द करने का फैसला लिया है। कुछ रिपोर्ट में उन्हें अयोग्य घोषित करने और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की बात भी चल रही है। वैसे सवाल उठ रहे हैं कि जो रिपोर्ट किसी ने नहीं देखी उसके बारे में चार दिन पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को जानकारी कैसे मिल गई। वैसे दुबे ने अपने ट्वीट में किसी रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया था, लेकिन ये साफ लग रहा था कि उनका इशारा चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर ही है, जिसे लेकर हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी नेताओं, एक बीजेपी सांसद और उनके सहयोगी पत्रकारों ने खुद आयोग की रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है जो कि एक सील बंद लिफाफे में बंद है। इस बीच सीएम सोरेन के आवास पर उनके समर्थकों की भीड़ भी जुटी है जो लगातार नारेबाजी कर रही है। इसका वीडियो ट्वीट करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिस कर्मियों का ये स्नेह और यहाँ की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है। दरअसल हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने भाई बसंत सोरेन को खनन पट्टा आवंटित किया। ईडी ने कुछ दिनों पहले खनन सचिव रही पूजा सिंगल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, तभी से दावा किया जा रहा था कि सोरेन की कुर्सी कभी भी जा सकती है। मुश्किल में फंसे हेमंत सोरेन ने पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है। हेमंत सोरेन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अगर उन्हें सीएम पद से हटना पड़ता है तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि बीजेपी की सरकार गिराने की कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।